कराची साहिल समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर एक मुकद्दस मजार मौजूद है, बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी फरजंद मोहम्मद नफ़्स ज़किया, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरजंद अली इब्न अबी तालिब की औलाद में से थे। अब्दुल्लाह ने अपने वालिद की शहादत के बाद अब्बासी हुकूमत के खिलाफ क़याम किया और इस क़याम के बाद अब्बासी हुकूमत के मजालिम से बचने के लिए ताजिर के रूप में सिंध की तरफ मुहाजरत की। इस खत्ते में आपका बाबरकत वजूद लोगों की कसीर तादाद में इस्लाम कबूल करने का बाइस बना। अब्दुल्ला शाह गाजी सन 151 हिजरी में अब्बासी हुकूमत के एजेंटों के हाथों शहीद हुए और इसी इलाके में उन्हें सपुर्द खाक किया गया। ये मजार उसी जमाने से पाकिस्तान के हर फिरके, नस्ल और मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से बहुत से करामात नकल हुए हैं, जिनमें से समंदर के करीब मजार के नीचे मीठे पानी का चश्मा काबिले जिक्र है। समंदर के जवार में होने के बावजूद इस चश्मे का पानी निहायत मीठा है और लोग तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जायरीन का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर दिल को तकवियत मिलती है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं।